करते हैं अल्कोहल। देखो अल्कोहल सब लोगों ने आई होप पढ़ लिया होगा, किसी को कुछ डाउट हो जो हो प्लीज पूछ लिया करो, ग्रुप में डाल दिया करो। डाउट्स अपने पास रखोगे तो संपत्ति बड़ी नहीं होगी, प्रॉब्लम बड़े होंगे, ठीक है? तो प्लीज शेयर कर दिया करो, और कोई भी किसी को भी कहीं इशू होगा तो यार हेल्प करने वाले भी सारे लोग यहाँ पे। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जितनों की तुम हेल्प करोगे उतना ही तुम्हारा कंसेप्ट स्ट्रांग होगा, ठीक है? ये चीज भी सब फोकस करते रहना। शुरू करते हैं, अल्कोहल हो चुका है, फिनॉल एंड ईथर से फिर आगे बढ़ते हैं। सो फिनॉल्स, सबसे पहले बात होती है एसिडिटी की। फिनॉल का पीके है, पीके की वैल्यू है 10। अगर आप लोगों को याद होगा लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों के साथ एक पीडीएफ शेयर किया था, वो पीडीएफ कहाँ था? हाँ, एक सब लोगों को याद आ रहा है मैंने एसिडिक हाइड्रोजन का एसिडिटी का एक पीडीएफ शेयर किया था लास्ट क्लास में। मैंने नहीं किया क्या? ग्रुप पे किया रे, इसको टैग किया नहीं थे। अच्छा हाँ, ग्रुप पे किया, सॉरी सॉरी। ये तो हाइड्रोफॉर्मिलेशन वाला पीडीएफ है, ये नहीं। एक पीडीएफ था जिसमें हाइड्रोजन की एसिडिटी, शायद मैंने तुम लोगों के साथ शेयर नहीं किया, मैं शेयर कर देता हूँ। ये वाला शायद मिल गया। मिल गया क्या? यस, ये वाला पीके टेबल, ठीक है? तो यार ये पीके टेबल जस्ट तुम्हारे रेफरेंस के लिए है, ठीक है? अब यहाँ पे पीके फिनॉल का पीके दिया होगा, फिनॉल का दिया है, प्लेन फिनॉल। देखो प्लेन फिनॉल का पीके 10 है, ठीक है? अब यहाँ पे अगर आपके पास फिनॉल पे एक एक्स, यानी आप इमेजिन कर लो कोई भी एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर आप लगा देते हो, तो इसके पीके का वैल्यू बढ़ जाएगा, ये ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, ठीक है? H2CO3 जो है, H2CO3 का पीके वैल्यू देखो, ये कार्बोनिक एसिड का 6.335 है। मतलब फिनॉल जो है, फिनॉल इज मोर एसिडिक देन वाटर बट लेस एसिडिक देन H2CO3 और H2S। इस बात को बस याद रखना, ठीक है? क्योंकि कुछ कुछ जगह पे जहाँ पे कार्बोक्सिलिक और फिनॉल को कंपेयर करने की बात आएगी, तो कार्बोक्सिलिक वाला जो ग्रुप है दैट विल रिएक्ट विद और दैट विल एक्सेप्ट एन एच प्लस फ्रॉम H2CO3, ठीक है? लेकिन फिनॉल जो है, फिनॉल सॉरी कार्बोक्सिलिक वॉन्ट एक्सेप्ट द एच प्लस फ्रॉम एच प्लस, ना हाँ, लेकिन फिनॉल जो है, फिनॉल एच प्लस एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है? बस इतना ही थोड़ा ध्यान रखना है कि फिनॉल जो है, फिनॉल की एसिडिटी कहाँ पे कितनी रहेगी, तो उसके पीके वैल्यू को हमेशा याद रखना। फिनॉल इज मोर एसिडिक देन एनी नॉर्मल अल्कोहल, ठीक है? अब ये जो नेप्थॉल है, कैटेकॉल, रिसोर्सिनॉल, इन इन लोगों की जो पीएच वैल्यूज है, इनकी पीएच वैल्यूज तुम उसमें देख सकते हो। इसमें आई डोंट थिंक कैटेकॉल और इन सब का दिया हुआ है, बट प्लीज एक बार आना, आप लोगों को देखना होगा उसमें उनके पीएच का वैल्यूज कितना है। बट पीके वैल्यू के बेसिस पे ही कंपैरिजन करना, और फिर जैसा भी क्वेश्चन आता है उस हिसाब से फिर उस चीज को याद रखते जाना, ठीक है? अगर हम नॉर्मल रिसोर्सिनॉल की अगर मैं बात करता हूँ या कैटेकॉल की अगर मैं बात करता हूँ, तो ऑब्वियसली इनका जो पीएच वैल्यू होगा इट विल बी पीके वैल्यू होगा, पीके वैल्यू विल बी ग्रेटर देन दैट ऑफ फिनॉल। मतलब फिनॉल विल बी मोर एसिडिक एज कम्पेयर टू एनी ऑफ दिस ग्रुप, बिकॉज क्या है, इन सबके केस में ओ एच लगा हुआ है, तो दो ओ एच है तो दूसरा ओ एच का प्लस आर इफेक्ट रहेगा, ठीक है? तो प्लस आर इफेक्ट रहेगा तो उसके चलते वो
फिनोक्साइड आयन जो फॉर्म होगा, फिनॉल के ऊपर जब ये H+ निकलने के बाद माइनस जो बन रहा है, ये जो फिनोक्साइड आयन जो होगा वो फिनोक्साइड आयन को अनस्टेबल कर देगा अगर आपके पास यहाँ पे प्लस आर ग्रुप लगा हुआ है। तो ठीक है, ऐसे बस एसिडिटी पे इसी टाइप के क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो ये चीज को ध्यान रखना। इसके बाद प्रिपरेशन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कंपाउंड्स के जो नाम है, नाम याद रखना जरूरी है। एक बार आप एनसीईआरटी को रेफर कर सकते हो, इसके लिए एनसीईआरटी अपन खोल के रख लेते हैं एक साइड। तो एनसीईआरटी में जितने भी नाम है उन नाम को हमको याद रखना जरूरी है। ये वैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किए थे शायद। ये नॉर्मल वाले है, साइक्लोहेक्सेनॉल, फिनॉल, ऑर्थोक्रिसॉल, मेटाक्रिसॉल, पैराक्रिसॉल। ठीक है, ऑल्दो इनके पीएच के बारे में बोला नहीं गया, लेकिन आप इतना बेसिक कंपैरिजन तो कर ही सकते हो कि ओएच ग्रुप अगर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे है तो ज्यादा डीस्टेबलाइज करेंगे, मेटा पोजीशन का ओएच उतना ज्यादा डीस्टेबलाइज नहीं करेगा। तो अगर मुझे एसिडिटी कंपेयर करनी है फिनॉल की, कैटेकॉल, रेसोर्सिनॉल, इनकी सबकी, तो आपको बस यही ध्यान रखना होगा कि रेसोर्सिनॉल उतना ज्यादा डीस्टेबलाइज नहीं करेगा जितना ऑर्थो और पैरा करेगा। तो फिनॉल के बाद एसिडिटी अगर होगी तो रेसोर्सिनॉल की होगी, और फिर कैटेकॉल और ये जो है हाइड्रोक्विनोन या क्विनॉल की रहेगी। ठीक है, सेम गोज फॉर ऑर्थोक्रिसॉल, मेटाक्रिसॉल, इसमें सी एच थ्री ग्रुप है। इससे मुझे याद आया वो वाला क्वेश्चन का पता किया गया शुभम, वो जो सी एच थ्री और एक और ग्रुप लगा हुआ था, नहीं ओ सी एच थ्री ग्रुप लगा हुआ था और सी एच थ्री ग्रुप लगा हुआ था और उसमें नाइट्रेशन का मेजर प्रोडक्ट पूछा गया था। हाँ सर, नहीं मिला कुछ। नहीं मिला, ठीक है, एक बार मुझे याद दिलाना उसको, अपन फिर डिस्कस करेंगे। लेकिन ठीक है, वो होगा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं फिनॉल के प्रिपरेशन पे। सबसे पहला जो है डाउस प्रोसेस। अब डाउस प्रोसेस अगर ये कैरी आउट होगा एट अ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, ये हाई टेम्परेचर प्रेशर पे क्यों हो रहा है? बिकॉज फर्स्ट थिंग, जो बेंजीन रिंग है, दिस रिएक्शन प्रोसीड्स बाय फॉर्मेशन ऑफ अ बेंजाइन। ये देख रहे हो आप, बेंजाइन फॉर्मेशन के थ्रू जा रहा है। तो सबसे पहले क्या कर रहा है, OH माइनस उसके ऑर्थो पोजिशन से H+ को एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है। अब H+ एब्स्ट्रैक्ट करके आप बेंजीन के ऊपर माइनस चार्ज डाल रहे हो, एंड माइनस चार्ज जो है बेंजीन का, वो बेंजीन का माइनस चार्ज आगे तुम्हारा जो Cl को क्या कहते हैं, इंटरनल अटैक करके छोड़ने को मजबूर कर रहा है। एलिमिनेशन हुआ, बेंजाइन फॉर्म हुआ, एंड फिर बेंजाइन फॉर्म होने के बाद उसके ऊपर OH- अटैक कर रहा है। ठीक है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ डाउस प्रोसेस। इस चीज को ध्यान रखना, मैकेनिज्म इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे जब भी कोई एक ग्रुप अटैच्ड होगा, जिसमें मेटा पोजिशन पे या किसी पोजिशन पे ग्रुप अटैच होगा, तो वो उस मैकेनिज्म, मतलब उस केस में मैकेनिज्म तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी कि OH माइनस कहाँ पे अटैक कर रहा है, वेदर इट इज अटैकिंग दिस कार्बन और दिस कार्बन। ठीक है, दैट्स डाउस प्रोसेस। OH माइनस ने H+ एब्स्ट्रैक्ट किया, बेंजाइन फॉर्म हुआ, बेंजाइन के ऊपर फिर OH ने अटैक किया, एंड देन यू गॉट फिनॉल। ठीक है, नेक्स्ट इज, नेक्स्ट इज सोडियम बेंजीन सल्फोनेट का फॉर्मेशन का रिएक्शन। तो पहले आपके पास लिविंग ग्रुप था Cl, डाउस प्रोसेस। इसका इस बार आपका जो लिविंग ग्रुप है दैट इज SO3 माइनस, अगेन अ गुड लिविंग ग्रुप, लेकिन क्या है, बेंजीन के ऊपर OH माइनस का अटैक होना है, तो इसलिए ये प्रोसेस हायर टेम्परेचर पे किया जाएगा। देख रहे हो NaOH फ्यूज्ड फॉर्म में लिया गया, मतलब हाईली कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में NaOH डाला जा रहा है, लिक्विड NaOH डाला जा रहा है, लेकिन लिक्विड इन द सेंस मोल्टन NaOH यहाँ पे यूज किया जा रहा है मोस्ट प्रोबेबली, या फिर NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड का कॉम्बिनेशन भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, द आइडिया इज आप हाईली कॉन्सेंट्रेटेड OH- को अटैक करवा रहे हो बेंजीन के ऊपर। ठीक है, सेम प्रोसेस, ये भी बेंजाइन फॉर्मेशन के थ्रू जाएगा, फिनोक्साइड आयन फॉर्म होगा, एंड फिर फिनोक्साइड का आप हाइड्रोलिसिस करवा के आपको फिनॉल मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन इज क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड रिएक्शन की। सेकेंड, इससे मुझे याद है किसी ने मुझे डाउट्स भेजा था और उसका सबसे पहला क्वेश्चन ही क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड था। ये कौन है जिसने मुझे डाउट भेजा था?
यार एक तो मैंने सबके नाम सेव करना शुरू करना पड़ेगा, मैं भूल जाता हूँ। ये है प्रियन। प्रियन तुम्हारा एक क्वेश्चन था, सबसे पहला क्वेश्चन। प्रियन दिख रहा है ये जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन तुमने पूछा था, दैट इज सेम क्यूमीन हाइड्रोपरॉक्साइड रिएक्शन है ये, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन में बेंजीन जो रिंग है, बेंजीन रिंग अटैक करेगा इस एल्कीन पे। अब वो एल्कीन H3PO4 के प्रेजेंट में, उसके प्रेजेंस में ये कार्बो कटायन फॉर्म कर रहा है, और उस कार्बो कटायन पे बेंजीन रिंग अटैक कर रहा है। अब बेंजीन ने अटैक किया कार्बो कटायन पे, उसके फिर बेंजीन का एच प्लस निकल गया और वहां पे वापस अपना एरोमेटिसिटी रिस्टोर होगी, देन यू गॉट दिस काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट, ठीक है। तो बेंजीन के ऊपर आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है ऐसा सोचो, एंड उसका फिर आप ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडेशन करवा रहे हो, एंड दैट्स वेयर यू गेट क्यूमीन हाइड्रोपरॉक्साइड, ठीक है। तो ये रिएक्शन का जो इंटरेस्टिंग स्टेप है वो यही वाला स्टेप है, फॉर्मेशन ऑफ क्यूमीन हाइड्रोपरॉक्साइड। अब एक बार आपका क्यूमीन हाइड्रोपरॉक्साइड फॉर्म हो गया, देन योर बेंजीन रिंग इज टेक्निकली रेडी टू रिएक्ट। इसमें क्या होगा, जब भी आपके पास पेरोक्साइड लिंकेज है तो आपको याद रखना है, एक OH अपना माइनस लेके चला जाएगा एंड एक ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आएगा। नाउ जैसे ही प्लस चार्ज आया तो बेंजीन उसके ऊपर शिफ्ट हो गया, माइग्रेट हो गया ऐसा सोचो, एंड माइग्रेट होने के बाद आपके पास जो चीज फॉर्म होगा आपका इस कार्बन पे, ये वाला जो कार्बन है, इस कार्बन पे कार्बो कटायन फॉर्मेशन होगा। आप देख सकते हो यहाँ कार्बो कटायन फॉर्म हो गया, ठीक है। अब एक बार कार्बो कटायन वहां पे फॉर्म हो गया, इसके बाद का जो स्टेप है दैट इज हाइड्रोलिसिस। वाटर अटैक कर रहा है यहाँ पे, वाटर अटैक करने के बाद यहाँ पे जो फॉर्म हो रहा है दैट इज अ कार्बन हैविंग टू बॉन्ड्स विद ऑक्सीजन, तो वो एक बॉन्ड ब्रेक कर लेगा और अपना अलग से निकल जाएगा। तो वहां से अलग निकल गया वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर छोड़ के, एंड यहाँ पे जो OH लगा हुआ था, ये जो स्टेप है इसके बाद का एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे O था, यहाँ पे C, CH3, CH3 प्लस चार्ज है, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे अटैक करेगा, तो वाटर मॉलिक्यूल अटैक करेगा, ये ग्रुप यहाँ से छोड़ के चला जाएगा, तो पहले तुम्हारा जो फॉर्म होगा दैट विल बी दिस कंपाउंड, ठीक है। फिर जब ये छोड़ के निकलेगा, ये क्यों छोड़ेगा, क्योंकि ये इसके पास एक एक्स्ट्रा लोन पेयर है, उसको अटैक कर देगा तो वो ग्रुप छोड़ के चला जाएगा। तो ये ऊपर वाला जो कंपाउंड है दैट विल फॉर्म अ कीटोन, एंड ये जो नीचे वाला है दैट विल गिव यू द फिनॉल, ठीक है। तो फिनॉल एंड एसीटोन, ये दो कंपाउंड आपको मिल रहा है यूजिंग बेंजीन एंड प्रोपीन, ठीक है। तो ये दो को यूज करके आपको फिनॉल और एसीटोन मिल रहा है, तो इसलिए ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बिकॉज आपके जो प्रोडक्ट मिल रहे हैं ये प्रोडक्ट इंडस्ट्रियल लेवल पे काफी रिक्वायर्ड टाइप के प्रोडक्ट है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई क्यूमीन हाइड्रोपरॉक्साइड रिएक्शन थोड़ा इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, नेम्ड रिएक्शन की तरह आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है। किसी को कुछ हस्तांश शॉर्ट है ना, प्रियन तुम्हारे डाउट्स एक एक करके अपन आगे बढ़ते, पहले ये खत्म कर लेते अल्कोहल, फिर आज फिनिश करने के पहले तुम्हारे डाउट्स कर लेंगे, ठीक है। मुझे अब भी याद आया था वो जस्ट क्यूमीन हाइड्रोपरॉक्साइड के रिएक्शन के बाद। अभी आगे बढ़ते हैं, कर लेते पहले एक बार प्रिपरेशन एंड रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। नेक्स्ट इज यूजिंग डायजोनियम सॉल्ट। तो यार डायजोनियम सॉल्ट तो आपको सबको पता है काफी सॉर्टेड रिएक्शन है, डायजोनियम आयन बनेगा, डायजोनियम आयन में लिविंग ग्रुप, आपने वाटर का अटैक करवा दिया, डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट H2SO4 आप अटैक करवा रहे हो ताकि सिर्फ वाटर अटैक करे, एंड वाटर ने अटैक करके वहां से नाइट्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, OH लग गया, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन इज यूजिंग सैलिसिलिक एसिड। तो सैलिसिलिक एसिड जो है, सर हाँ तो मैं पूछ रहा था ये डायजोनियम सॉल्ट के रिएक्शन में अगर H2 और H+ भी लिखा होगा तो भी वही होगा ना रिएक्शन फॉर्म। हाँ वही होगा, चलेगा, ठीक है। फिर आगे बढ़े, सर
ठीक है, किसी ने हैंड रेस किया, जूही ने हैंड रेस किया, आप कुछ पूछना चाहते हो? एक मिनट, कुछ भी पूछना हो तो पूछ लेना, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं, जिसको भी बोलना हो हैंड रेस कर सकते हैं, ठीक है ना? ज्यादा शर्माओ मत, ये क्लास है, ठीक है? कोई, अरे यार, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। तो नेक्स्ट इज सोडियम सैलिसिलेट जो है, विच इज बेसिकली सैलिसिलिक एसिड का सॉल्ट है ये। सैलिसिलिक एसिड के सॉल्ट का आप डी कार्बोक्सिलेशन करवा रहे हो यूजिंग NaOH एंड CaO। तो सोडा लाइम प्रोसेस है, सोडा लाइम प्रोसेस में आपको पता है जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो CO2 बन के निकल जाएगा, मतलब CO2 के फॉर्म में निकलेगा और वहां पे अब्सॉर्ब हो जाएगा, Na2CO3 फॉर्म कर देगा, ठीक है? एंड साथ में आपका फिनोक्साइड आयन फॉर्म होगा। तो डी कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस सीधा सीधा यहाँ पे लग रहा है, COO ग्रुप हटके वहां पे सिर्फ हाइड्रोजन प्लेस हो रहा है, ठीक है? तो आपके पास सैलिसिलिक एसिड है तो आप उससे फिनॉल फॉर्म कर सकते हो। प्रिपरेशन में बस इतना ही है। और कोई प्रिपरेशन वाली रिएक्शन किसी को याद आ रही है जो मिस आउट हो गई हो फिनॉल की प्रिपरेशन में? शायद हमने पहले कुछ की हो, कुछ भी याद आए तो बताना यार, ठीक है? ये शायद कोई पहले की रिएक्शन में मिस आउट कर गया हो, ठीक है? Mg और इथर के साथ भी है ना, C6H5Cl रिएक्ट विथ C6H5Cl रिएक्ट विथ Mg इथर फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। हाँ सर, O2 और H2O और H+। H2O और H+ कुछ भी चलेगा, सही बात है। तो ये का अपना ग्रिगनार्ड वाली रिएक्शन है, सब लोग एक बार रिएक्शन देखो क्या बोल रहा है ये। ये किसने बोला? श्रीधर बोल रहा था। हाँ सर, तो आपके पास क्लोरोबेंजीन है, ठीक है? इसमें आपने डाल दिया एमजी ईथर, ठीक है? तो तुम्हारे पास इस टाइप का ग्रिगनार्ड रिएजेंट बन जाएगा। फिर आपने उसमें H+ या वाटर डाल दिया या कोई भी प्रकार का ऐसा प्रोटोनेटेड सॉल्वेंट डाल दिया, तो वो क्या करेगा? बेंजीन अपना यार, तो फिर यहाँ पे हाइड्रोजन लगेगा, बेंजीन मिलेगा। श्रीधर, फिनॉल बनाना तो मुश्किल है। एक से देना सर, O2 भी दिया है। हाँ, O2 दिया है ना, तो ऑक्सीजन। तो ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन, नाम क्या दिया है उसमें? नाम दिया नहीं है, नाम नहीं दिया। तो यार ये O2 जो डालने पे मतलब ये ऑक्सीजनेट किया जा रहा है, तो MgCl फॉर्म होने के बाद, मतलब ये RMgCl टाइप का जो फॉर्म होने के बाद, उसके बाद आप ऑक्सीजन डाल के उसको ऑक्सीडाइज कर रहे हो, दैट्स व्हाई तुमको यहाँ पे पहले OH फॉर्म होते हुए मिल रहा है, ठीक है? तो इसमें ग्रिगनार्ड के बाद ऑक्सीजन डाला गया है, और ऑक्सीजन के बाद, अरे यार ये चला गया, ऑक्सीजन डालने के बाद, ऑक्सीजनेट करने के बाद फिर आप उसको H+ डाल रहे हो, ठीक है? तब जाके आपको फिनॉल मिलेगा। सॉर्टेड और एक रिएक्शन दिया है, क्विनोनॉल का रिएक्शन दे रहा है, जब क्विनोनॉल फॉर्म हो, क्विनॉल मतलब CHO और OH दोनों पैरा पोजीशन पे, और H2O2 और OH के प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहा है। पैरा पोजीशन पे कौन है? पैर दो, एक पैरा पोजीशन पे CHO है और एक पैरा पोजीशन पे OH। यहाँ पे CHO है, ठीक है? और आप इसे, हाँ, H2O और OH माइनस के प्रेजेंस में है तो एक क्विनोनॉल फॉर्म कर, क्विनोल फॉर्म कर रहा है। अब ये ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हो। और एक है डेकिन रिएक्शन, डेकिन रिएक्शन, रिएक्शन स्पेलिंग बोलना, DAKIN।
अच्छा डेकेन्स रिएक्शन है ये, जिसमें तुम्हारे पास एक साइड एल्डिहाइड या कीटोन लगा हुआ है, दूसरे साइड OH लगा हुआ है, और H2O2 NaOH डालते हो तो तुमको ये बेंजोक्विनोन या क्विनोल जो है ये एज अ प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, ये एल्डिहाइड कीटोन में शायद ये रिएक्शन आनी चाहिए, नहीं आई तो भी इसको अपन प्रिपरेशन ऑफ डायोल जो है, एरोमेटिक डायोल बोल सकते हो आप, तो प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक डायोल में इसको आप यूज कर सकते हो। मैकेनिज्म जो है, मैकेनिज्म में ये जो कीटोन है या एल्डिहाइड ग्रुप जो है इसके ऊपर तुम्हारा पेरोक्साइड अटैक कर रहा है। ठीक है, एंड पेरोक्साइड अटैक करने के बाद यहाँ पे एस्टर फॉर्म हो रहा है। ठीक है, ये रिएक्शन हमने शायद से तो एल्डिहाइड कीटोन में कवर किया है, शायद से। किसी को याद आ रहा है ये कौन सी रिएक्शन थी? कीटोन जो है, ये देख रहे हो ये वाली रिएक्शन, बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन। कीटोन को पहले आप कन्वर्ट कर रहे हो एस्टर में। ठीक है, याद आ रहा है क्या? बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन, कीटोन में सी डबल बॉन्ड ओ के बाजू में अगर तुमको ओ लगाना है तो यू कैन गेट आर सी ओ ओ आर डैश और यू कैन गेट आर ओ सी ओ आर डैश। अब ये किसके साइड ओ लगेगा ये चीज डिसाइड करते हैं माइग्रेटिंग टेंडेंसी के बेस पे, कि एच माइनस की टेंडेंसी ज्यादा होती है, फिर अराइल की होती है, फिर अल्काइल की होती है। तो अगर आपके पास पी एच सी ओ सी एच थ्री टाइप का कंपाउंड है तो जो ऑक्सीजन लगेगा वो लगेगा पीएच वाले साइड पे। ठीक है, तो आपका जो प्रोडक्ट होगा, मेजर प्रोडक्ट जो होगा दैट विल बी पीएच ओ सी ओ सी एच थ्री। बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन प्रोसेस है ये, सबको समझ में आ रहा है क्या ये चीज? माइक चेक, किसी को भी दिक्कत है इसमें? क्या मैं बोलना चाह रहा हूं, पहले आपने कीटोन को ऑक्सीडाइज किया। ठीक है, तो कीटोन जो है आप यहाँ पे देखो यहाँ एल्डिहाइड है। ठीक है, एल्डिहाइड के केस में ऑक्सीडेशन हो रहा है और पीएच ग्रुप माइग्रेट कर रहा है, जबकि एच माइनस करता तो सीओओएच बन जाता। यहाँ पे एच माइनस ने क्यों नहीं माइग्रेट किया? ऑक्सीजन पे अटैक हुआ, जबकि यहाँ पे इन्होंने फिनाइल जो है, फिनोक्साइड पूरा ये जो ग्रुप है इस ग्रुप को माइग्रेट करवाया। दिस इज लाइक यूनिक इन डेकिंस रिएक्शन। आप देख रहे हो H2O2OH माइनस पूरी रिएक्शन से। ठीक है, CF3CO3H BF3H2O2 या H2O2OH माइनस। तो आपका कीटोन जो है, कीटोन या एल्डिहाइड जो होता तो एल्डिहाइड के केस में H माइनस ने माइग्रेट करना चाहिए था, लेकिन डेकिंस रिएक्शन जो है, डेकिंस रिएक्शन में H माइनस नहीं माइग्रेट कर रहा, पीएच ग्रुप माइग्रेट। शायद इसके ऊपर OH लगा हुआ है इसके चलते ज्यादा ये एक्टिवेटेड रिंग होगी, इसलिए मे बी ये रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो पीएच वाला ग्रुप माइग्रेट कर रहा है, तो बेसिकली ठीक है ये ग्रुप है, तो डेकिंस रिएक्शन जो H2O2OH माइनस जो है उस केस में यहां पे तुम्हारा ऑक्सीजन लग रहा है। ठीक है, नाउ एक बार आपका ये चीज फॉर्म हो गया उसके बाद तो फिर क्या है, दिस इज एन एस्टर, एस्टर का हाइड्रोलिसिस करने वाली बात है। ठीक है, आपने एस्टर का हाइड्रोलिसिस किया, H प्लस डाला, तो आपका ये एस्टर वाला ये जो ग्रुप है ये ग्रुप अलग निकल गया और ये ग्रुप आपका अलग निकल गया, तो अकॉर्डिंग टू दैट यू विल गेट दिस इज एच सी ओ ओ माइनस, दिस इज फॉर्मिक एसिड या फॉर्मिक एसिड का अनायन बोल दो। ठीक है,
एंड यहाँ पे आपको जो मिल रहा है दिस इज क्विनोल, वो इधर से मिल रहा है। तो डेकिंस रिएक्शन जो इस ऑक्सीडेशन को थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसमें खास बात यही है कि ये माइग्रेट कर रहा है ना कि ये, तो इसकी माइग्रेटिंग टेंडेंसी ज्यादा है इसलिए ये मेजर प्रोडक्ट होगा। और ऑब्वियसली ये देखो ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आगे बढ़ रहा है, तो शायद वन ऑफ दीज प्रोडक्ट्स माइट लाइक माइट बी एबल टू सेपरेट आउट और समथिंग, तो इसलिए ये रिएक्शन आगे बढ़ते जा रहा है। ठीक है, डेकिन ऑक्सीडेशन इसको अपन लिख लेते हैं फिनॉल का पार्ट करके, है ना? ये समझ में आ रहा है हो क्या रहा है, क्या कैसे ये बेयर विलिगर के साथ सिमिलर है, ये समझ में आ रहा है ना? प्रवीण, श्रीधर, हाँ सर, कुछ बोलना चाह रहे हो? श्रीधर तुमने नो लिखा है शायद, वो किसी और के लिए, किसी पहले चीज के लिए लिखा है? हाँ सर। अच्छा ठीक है, रिलेटेड रिएक्शन ये दिया हुआ है। ठीक, इसको मैं बस स्निप करके रख लेता हूँ। ठीक है, बट इस केस में याद रखना कि ये डायल फॉर्मेशन का है। मैंने अभी तक मैं जो जो चेंजेस किए वो मोस्टली जो ड्राइव है ड्राइव में वो ऐड कर दिए, इन केस कोई मिस हो जाए तो मुझे बता देना, बट जो जो भी अपन ने एक्स्ट्रा इस टाइप के मैंने जो स्नैपशॉट्स लेके रखे हुए वो मैंने लास्ट क्लास के बाद मैंने अपडेट तो कर दिया था ड्राइव पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन हो गया तो फिनॉल के लिए इतना ही, अब बढ़ते हैं टुवर्ड्स रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। सबसे पहला रिएक्शन में है फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। अभी फिनॉल के केस में एस्टर फॉर्मेशन बहुत ज्यादा डायरेक्टली नहीं हो पाता एकदम से, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फिनॉल को अटैक करवाते हैं। मतलब अगर आपके पास बेंजोइक एसिड होता तो बेंजोइक एसिड और कोई एक रैंडम एल्कोहल का डिहाइड्रेशन करके आप एरोमेटिक एस्टर बना देते, लेकिन अगर आपके पास फिनॉल है तो फिनॉल का रिएक्शन आपको किसी एक ऐसे ग्रुप पे अटैक करके करवाना पड़ेगा जहां पे उसको, मतलब आप डिहाइड्रेशन से ये रिएक्शन आसानी से नहीं करवा सकते। ठीक है, तो जनरली आप उसको एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड या तो फिर एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवा के कराते हो। तो जैसे आपके पास एसिड एनहाइड्राइड है या एसिड क्लोराइड है तो आपको पता है ये लिविंग ग्रुप है, यहाँ पे ये लिविंग ग्रुप है, तो फिनॉक्साइड आयन जो रहेगा या फिनॉल का जो ऑक्सीजन होगा वो इनमें से किसी पे सी डबल बॉन्ड ओ पे अटैक करेगा और दूसरा पार्ट एज अ लिविंग ग्रुप निकल जाएगा, तो यू विल गेट करेस्पॉन्डिंग एस्टर। ठीक है, तो सबसे पहला रिएक्शन ये है जहाँ पे आप फिनॉल को मतलब आपको एस्टर में बेंजीन रिंग को एल्कोहल वाले साइड पे रखना है, तो आप उसको एसिड क्लोराइड या एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट कराओगे। ठीक है, नेक्स्ट इज फिनॉल का रिडक्शन। अगेन नॉट अ वेरी ग्रेट रिएक्शन बट ये होती है। ठीक है, जिंक के साथ आप फिनॉल को हीट कर दोगे काफी हाई टेम्परेचर पे, आपको ये रिएक्शन मिलेगा, यू विल गेट बेंजीन एंड जिंक ऑक्साइड। एज सेड नॉट वेरी इफिशियंट रिएक्शन बट आपको ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, दूसरा है हाइड्रोजनेशन ऑफ फिनॉल। अगेन वेरी मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम राइट अवे हो जाने वाली रिएक्शन है, आप देख सकते हो 175 डिग्री सेल्सियस एंड 15 एटीएम प्रेशर। ठीक है, इतने पे आप
फिनॉल जो है फिनॉल का रिडक्शन करवा सकते हो, फिनॉल के सारे ट्रिपल जो डबल बॉन्ड है हटा के फिनॉल को आप साइक्लोहेक्सिनॉल में कन्वर्ट करवा सकते हो। H2 निकल यूज करोगे आप इस केस में हाइड्रोजनेशन ऑफ फिनॉल के लिए। इसके बाद है ऑक्सीडेशन, ठीक है, फिनॉल का ऑक्सीडेशन करवा रहे हो O2 के साथ या CrO3 के साथ। अभी हमने एक रिएक्शन देखा था क्विनोन फॉर्मेशन के लिए, डेकिंस रिएक्शन। तो डेकिंस रिएक्शन में आपने क्या किया था कि आपके पास डेकिंस रिएक्शन में हमने एल्डिहाइड या कीटोन जो है कीटोन एक साइड में एल्डिहाइड कीटोन था उसको ऑक्सीडाइज करके उसको हटा दिया तो आपको फिनॉल या क्विनॉन मिलेगा, ठीक है। इसके बाद का जो रिएक्शन है ये काफी अभी तक के जो रिएक्शन थे उसमें हम बेसिकली ऑक्सीडेशन में रिंग के ऊपर पहली बार ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, ठीक है, इसलिए ये O2 या CrO3 प्लस हीट यानी अच्छे खासे एफर्ट के बाद ही ये क्विनॉन फॉर्मेशन करेगा। अदर रिएक्शन इज हैलोजिनेशन। नाउ हैलोजिनेशन इज अ लाइक काफी आराम से होने वाला रिएक्शन है, अगर आप लो टेम्परेचर पे करोगे तो आपको मोनोहैलोजिनेटेड प्रोडक्ट मिलेगा। जैसे फिनॉल जो है फिनॉल अपने रिंग को जो बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर देता है, एक्टिवेट कर देता है, इसका मतलब आपको ऑर्थो या पैरा पोजिशन पे ब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट मिलेगा। अगर आप ये कार्बन डाइसल्फाइड के प्रेजेंट में कर रहे हो विच इज अ नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है, नॉन पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में एट 0 degree Celsius यू विल गेट मोनोब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट। और अगर वही एक्टिवेटेड रिंग को आप ब्रोमीन वाटर या फिर HOBr के साथ रिएक्ट करवा, ठीक है, अगर आपको ब्रोमीन वाटर की जगह किसी ने HOBr भी दे दिया, ठीक है, तो भी आप इस रिएक्शन को ट्राइब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट के लिए यूज करोगे। यहाँ पे अभी OH है, OH की जगह पे कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता तो आपको ब्रोमीन वाटर के केस में ट्राइब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट मिल जाता, ठीक है। वही Br2CS2 के केस में CS2 इज अ नॉन पोलर सॉल्वेंट इसलिए मोनोब्रोमिनेशन पे जाके रिएक्शन रुक जा रहा है, ठीक है। अरे चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज नाइट्रेशन। तो अभी हमको रिंग के ऊपर ही जो भी हो रहा है हम अटैच करा रहे हैं, तो नाइट्रेशन के केस में आप कॉन्सेंट्रेटेड HNO3H2SO4 के साथ ये रिएक्शन करवा रहे हो तो यू गेट नाइट्रेटेड मतलब फिनॉल रिंग जो है रिंग के ऊपर नाइट्रेशन हो जाएगा। नाउ इस केस में कहा जा रहा है कि जो नाइट्रेटेड प्रोडक्ट है अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड HNO3H2SO4 के साथ डायरेक्ट रिएक्ट करवा रहे हो तो आपको पैरा नाइट्रेटेड प्रोडक्ट जो है दैट इज इसका रीजन ये है कि जब आपका पास नाइट्रेशन हो रहा है तो आपका जो फिनॉल रिंग का जो ऑक्सीजन है दैट ऑक्सीजन अटैक्स द NO प्लस, क्योंकि नाइट्रेशन में फॉर्म क्या होता है सॉरी NO2 प्लस फॉर्म होता है, तो NO2 प्लस के ऊपर ऑक्सीजन भी रिएक्ट अटैक करके वो रिएक्शन को एक साइड में ले जाता है, ऑल्दो फिर बैकवर्ड आके वो वापस टूट जाएगा, ऐसा कुछ खास रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगा बट रिएक्शन की इफिशियंसी लो हो जाएगी, ठीक है। तो इफिशियंसी बढ़ाने के लिए जनरली ये किया जाता है कि पहले इसका रिएक्शन HNO2 के साथ किया जाता है लो टेम्परेचर पे। तो अब आपको पता है कि HNO2 जो है HNO2 लो टेम्परेचर पे ब्रेक डाउन होके NO+ देता है एंड दैट NO+ कैन बी इजीली ऑक्सीडाइज टू NO2। तो पहले जो चीज फॉर्म हो रहा है दैट इज पैरा नाइट्रोसो फिनॉल, नाइट्रोसो मतलब NO ग्रुप लगा हुआ है एंड उसके बाद आप उसको ऑक्सीडाइज कर रहे हो अगेन यूजिंग HNO2 and you will get para nitrophenol as the product, ठीक है। इसमें ortho nitrophenol भी आपको मिलेगा, ऐसा नहीं होगा इसमें हमने लिखा नहीं है but product में वो भी आएगा। रही बात कौन इसमें कितना ज्यादा वो रहेगा that's मतलब इसमें मतलब ऐसा होता है कि यार OH अगर लगा हुआ है तो यार आप tri nitro product भी बना सकते हो, ठीक है, लेकिन यार मैं यील्ड के ऊपर डायरेक्टली एकदम से कमेंट नहीं कर पाऊंगा। जो पहला केस है जहां पे आपको लो यील्ड में मिल रहा है उस रिएक्शन को करवाने के लिए आप मतलब ये जो टेम्परेचर होगा वो टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर ही होगा, ठीक है। फिर एक बार आपके पास ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बन जाते हैं, जनरली जो पैरा आइसोमर होता है
पैरा मेजर प्रोडक्ट के फॉर्म में बनता है एंड बट वही है कि ऑर्थो पैरा दोनों प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, आप दोनों को सेपरेट आउट कर सकते हो थ्रू डिस्टिलेशन, क्योंकि ऑर्थो प्रोडक्ट जो होगा ऑर्थो पे जब नाइट्रेशन होगा तो आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, वो इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, कि फिनॉल में आपके पास ऑर्थो पोजिशन पे NO2 है तो NO2 का ऑक्सीजन और फिनॉल का OH का H इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएंगी। वही जब आपके पास पैरा प्रोडक्ट होगा तो पैरा प्रोडक्ट के केस में इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से चिपके रहेंगे एंड दैट्स व्हाई उनका डिस्टिलेशन करना आसान होगा। ठीक है, जस्ट सेकंड, श्रुति CHCl3 वाला रिएक्शन अपन करते हैं। कौन सा वाला हस्तांश रॉन्ग बोल रहे हो? नाइट्रेशन में नीचे वाला, नाइट्रेशन में नीचे वाला मतलब नाइट्रोसोफिनॉल वाला सर? हाँ बोलो बोलो सर फर्स्ट इसमें आप भी जो लिखा है ना उसमें और एक प्रोडक्ट बनता है वो उसके ऑर्थो पोजीशन पे NO2 लगता है। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, ऑर्थो पोजीशन भी बनेगा, ये मैं यहाँ लिखा नहीं, वही मैं बोल रहा था ना कि ऑर्थो नाइट्रेटेड प्रोडक्ट भी बनेगा, इसको मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया, दोनों प्रोडक्ट बनेंगे पैरा और ऑर्थो। ठीक है, जनरली इसमें पैरा मेजर प्रोडक्ट रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें रीजनिंग पैरा मेजर होने का एक बार ढूंढना पड़ेगा एग्जैक्ट क्या है, लेकिन पैरा मेजर रहेगा और पैरा और ऑर्थो को सेपरेट करने के लिए आप डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हो बिकॉज इसमें इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगी और इसमें इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसमें ज्यादा रहेगी ना किसमें? इंट्रा में? नहीं ज्यादा ऐसा तो नहीं बोल सकते यार, लो टेम्परेचर पे तो दोनों में अच्छी खासी रहेगी, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमॉलिक्यूलर हो रही है इंट्रामॉलिक्यूलर हो रही है, बस यही एक डिफरेंस होगा, कम ज्यादा तो नहीं बोल सकते तुम कुछ। हाँ टेम्परेचर हाई होगा तो आप कह सकते हो कि यार यहाँ पे वही मैं बोल रहा हूँ ना, टेम्परेचर लो जब रहेगा ना, यहाँ पे लो मेंशन नहीं किया, लो टेम्परेचर अगर रहेगा तो तुम्हारा पैरा मेजर प्रोडक्ट, इसका एक बार रीजनिंग एक बार अपने को देखना पड़ेगा। ठीक है, बाकी दोनों के मेल्टिंग जो बॉइलिंग पॉइंट्स होंगे बॉइलिंग पॉइंट्स में डिफरेंस होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा पैरा का, तो सेपरेट करना आसान रहेगा। ठीक है, लेकिन रूम टेम्परेचर पे अगर ये मतलब लो टेम्परेचर पे जब आप इसको करोगे तो मेजर प्रोडक्ट पैरा है। ठीक है, एक बार ये चीज अपने लिए लिख के रखो कहीं पे तो भी कि आपको पैरा के केस में मेजर प्रोडक्ट क्यों मिल रहा है, इसको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। पैरा मेजर एक बार सोलोमन या मॉरिसन बॉयड खोल के एक बार देखना, फिर अपन इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग इस पे क्वेश्चंस कर रहे होंगे। ठीक है, मैं भी इसको फिगर आउट करता हूँ क्या है, शॉर्ट है। उसके बाद नीचे वाला जो है ना, एक मिनट हस्तांश हैंड रेस करो, हाँ बोलो सर। नीचे वाले में तो दूसरे बार भी HNO2 डाला है तो दूसरे वाले में HNO2 वो वापस डालने का रीजन यही था कि उसको NO2 को ऑक्सीडाइज करना था। ट्राइनाइट्रो का नहीं दिया हुआ है क्या? ट्राइनाइट्रो वाला यहाँ पे दिया नहीं है, यही मैं बोल रहा हूँ, ये जो लो टेम्परेचर इसीलिए लिखा है, अगर यही चीज मैं हाई टेम्परेचर पे लिख करूंगा, ठीक है, हाई टेम्परेचर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, ठीक है, एक्चुअली ऊपर के केस में तुम कॉन्सेंट्रेटेड के इसको डाइल्यूट भी लिख सकते हो, इतना ज्यादा इशू नहीं है, डाइल्यूट या लो टेम्परेचर दोनों में से कुछ भी प्रेजेंस होगा तो तुमको मोनो नाइट्रेटेड प्रोडक्ट मिलेगा। 20% में कुछ तो ये है, दो प्रोडक्ट्स है और जब ही कॉन्सेंट्रेटेड डाल रहे तभी ट्राइनाइट्रो बन रहा है। करेक्ट, तो कॉन्सेंट्रेटेड जब तुम डालोगे और हाई टेम्परेचर रहेगा
तब तुम्हारे पास ट्राइनाइट्रो प्रोडक्ट मिलेगा। तो वही मैं बोल रहा था कि वो यहाँ पे मेंशन नहीं है। सर मेरे को लगा नीचे वाला वो रिएक्शन है, अभी समझा मैं। ये दूसरा रिएक्शन, ये नाइट्रोसोफिनॉल वाला है। तो अगर आपको मोनोनाइट्रेटेड प्रोडक्ट चाहिए तो आप उसको HNO2 के थ्रू भी ले जा सकते हो और फिर उसको ऑक्सीडाइज कर सकते हो, ठीक है? ओके सर, परफेक्ट। उसके बाद वाला जो है सेम नाइट्रेशन का प्रोसेस है, उसी प्रोसेस में आप सल्फोनेशन भी करा सकते हो, ठीक है? सल्फोनेशन के केस में सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में किया जा सकता है। तो एट, अब इसमें देखो, इसमें ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि एट लो टेम्परेचर, मतलब 15 टू 20 डिग्री सेल्सियस पे जब आप ये रिएक्शन कर रहे हो, ऑर्थो इज द मेजर प्रोडक्ट, एंड 100 डिग्री सेल्सियस पे जब आप रिएक्शन कर रहे हो, पैरा इज द मेजर प्रोडक्ट। अगेन मेरे पास इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि कब कौन मेजर क्यों होगा, ठीक है? लेकिन अगर आपके पास कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और हीट दिया हुआ है तो आपको पैरा मेजर प्रोडक्ट बनाना होगा, और अगर आपको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड लो टेम्परेचर कहीं पे मेंशन किया है तो फिर आप ऑर्थो को मेजर प्रोडक्ट बनाओगे। इसको भी एक क्वेश्चन मार्क करके रख लो यार, अगर कहीं पे मिल जाता है तो बहुत सही है, मुझे भी बताना इसका एक्सप्लेनेशन, ठीक है? कि ये जो चीज है लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर पे क्या डिफरेंस होता है, शायद ये अपन ने जब पढ़ा था तब भी मैंने ये बताया था, फिर मैं तो भूल गया। आप लोगों को याद रखना पड़ेगा इसको, अपने को डिस्कस करना है करके, ठीक है? इसको मैं यहाँ नहीं सेव कर रहा, चलो सेव हो गया है, ठीक है? तो लो टेम्परेचर पे ऑर्थो मेजर प्रोडक्ट है, हाई टेम्परेचर पे पैरा मेजर प्रोडक्ट है, ठीक है? सारे क्रिएट, हाँ बोलो सर। जब ये फिनॉल को ब्रोमीन वाटर एक्सेस के साथ दिया रहता है और AlCl3 उसके साथ रहता है तो उसमें दो ऑर्थो पोजीशन पे ब्रोमीन बनते हैं और एक पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन लिखते हैं, दो मतलब ट्राइब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट ना, ऑर्थो पैरा पोजीशन वाला। हाँ सर करेक्ट। इसमें जब यही केस है, अगर ये Br2CH2 वाला जो है इसमें तुम बोल रहे हो कि इंस्टेड ऑफ दिस अगर किसी ने सिर्फ Br2 एक्सेस लिख दिया, करेक्ट? वाटर एक्सेस, ब्रोमीन वाटर एक्सेस, ब्रोमीन वाटर में तो ट्राइब्रोमो ही बनेगा, मतलब ब्रोमीन वाटर को तुम एक्सेस के हिसाब से ही चल के लेको, चलो ठीक है कि ब्रोमीन वाटर में कोई ऐसा लिमिटेड वाला रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि HOBr की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है क्योंकि Br+1 में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है? अगर सिर्फ Br2 एक्सेस भी अगर किसी ने दिया है ना, या Br2CH2 दिया है, नॉन पोलर कंपाउंड है, तो तुम मोनोब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट करोगे, और अगर कहीं पे ऐसे Br2 एक्सेस दिया हुआ है तो इस केस में भी तुम ट्राइब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट लोगे, ठीक है? बाकी ब्रोमीन वाटर तो फिर ट्राइब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट ही बनाना, ठीक है? और CHCl3 वाला जो श्रुति कुछ बोली थी, किसने बोला था CHCl3 बीच में? यस श्रुति, CHCl3 के साथ भी शायद से इंस्टेड ऑफ CH2 अगर तुम्हारे पास CHCl3 होगा तो इस केस में भी तुमको मोनोब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट मिलेगा, लेकिन इसका एक बार कंफर्म कर लेना, ठीक है? Br2 इन CH2 और Br2 इन CHCl3 दोनों केस में एट लो टेम्परेचर यू विल गेट मोनोब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट, ठीक है? सर इसमें भी PCl5 और PBr5 रिएक्ट कर देंगे? PCl5 और PBr5 इस केस में भी रिएक्शन तो होगी, बट शायद एक बार कंफर्म करना पड़ेगा, मतलब अल्कोहल के केस में, फिनॉल के केस में होती है या नहीं PCl5 की रिएक्शन? होता है, हीट चाहिए। हाँ तो एक बार मेरे को रुको कंफर्म करना, तो फिर सर उसमें वो OH की जगह पे Cl लग जाता है और फिर O को पोटेशियम जुड़, ये सॉरी फास्फोरस जुड़ जाता है ना, तो वही चाहिए वो साइक्लिक प्रोडक्ट फॉर्म करके। सार्थक ने डाला है, अब ये सार्थक पे भरोसा तो किया जाना चाहिए, बट है तो नॉर्मली रिएक्शन अपनी वाली हमेशा की, ठीक है? एक बार मैकेनिज्म को थोड़ा सा कंफर्म कर लेना, ठीक है?
ये रहा पब से सीएस रिएक्शन तो होगी भाई, रिसर्च पेपर भी मिल गया इसके ऊपर, ठीक है? यस सर, तो रिएक्शन तो है डेफिनेटली। अबे यार ये एड्यूरेप को कुछ अलग प्रॉब्लम आया, बोलता नहीं रिएक्ट करेगा। मेरे को तो डाउट आ रहा है ये व्हाई फिनॉल डू नॉट रिएक्ट, ये डिस्कशन है। सॉरी, एज ऑफ नाउ रिएक्शन क्या लिखा है, नहीं रिंग के बारे में कोई बात नहीं कर रहा सर। आई थिंक एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एनसीईआरटी में दिया है ना, बस सॉर्ट है फिर खत्म, टेंशन नहीं है। प्रिपरेशंस हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल रिएक्शन में ROH विदेन एसिडिटी फिनॉल, ऑसम। ये देख रहे हो भाई, इनके एसिडिटी भी कंपेयर किया गया, फिनॉल ऑर्थोक्रिसोल मेटाक्रिसोल पैराक्रिसोल, ठीक है? मेटाक्रिसोल पहले फिनॉल फिर मेटाक्रिसोल ऑर्थो और पैराक्रिसोल की ऑलमोस्ट इक्वल है, ये चार्ट याद रखना। रिएक्शन ऑफ क्लीवेज ऑफ सी ओ बॉन्ड, अच्छा हाँ, रिएक्शन ऑफ क्लीवेज ऑफ सी ओ बॉन्ड में फिनॉल के रिएक्शंस डाइल्यूट HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड, यहाँ पे डाइल्यूट के फॉर्म में दिया हुआ है, मोनोनाइट्रेटेड प्रोडक्ट, कॉन्सेंट्रेटेड में ट्राइनाइट्रेटेड प्रोडक्ट, हैलोजिनेशन ब्रोमीन CH2 ब्रोमीन वाटर, फिर ये कोलबेज रिएक्शन आगे देखेंगे। PCl5 नहीं दिख रहा यार, कहाँ चले गया ये, तो फिर आगे चला गया। फिनॉल जिंक, क्या एक बार देख के बताओगे मुझे इसमें कहाँ दिया है एनसीईआरटी में, पेज नंबर बता सकते हो? इथेनॉल इथेनॉल इथर इथर पे चला गया है ये ऑलरेडी। ब्रो एक बार एनसीईआरटी में चेक करके बताना मुझे कहाँ पे PCl5 वाला रिएक्शन। यस ट्राइनाइट्रो है श्रुति, फ्राइज रीअरेंजमेंट कोलबेज रिएक्शन होबेनहॉइश रिएक्शन और दो भी है। हम लोग नाइट्रेशन सल्फोनेशन फिर कोलबेज फिर फॉर्मर्क्यूरेशन रिमल्टिमान, इसमें एक दो मिसिंग है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन चल रहा है, कोलबेज जो एडिशन है रेमर्टिमान है जिंक का ऑक्सीडेशन है। सॉरी यार PCl5 वाला रिएक्शन नहीं है इसमें, एक काम करो इस रिएक्शन को ढूंढ लेना, ठीक है? PCl5 का फिनॉल के साथ, क्योंकि जैसे देख रहा है गूगल पे सर्च करने पे आ तो रहा है, पेपर भी एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन एग्जैक्ट प्रोसेस क्या है देखना पड़ेगा, ठीक है? बाकी हम लोग फ्राइज रीअरेंजमेंट एक बार देखेंगे, प्रिपरेशन में आएगा यार फ्राइज रीअरेंजमेंट तो, ठीक है? क्योंकि उसमें फिनॉल फॉर्म होगा। सर ऑक्सीडेशन में एयर और HNO के साथ भी होता है क्या फिनॉल का रिएक्शन? फिनॉल का एयर और HNO के साथ, हाँ सर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है फिनॉल, और वो फिर पैरा
मतलब डायोल फॉर्म कर देता है, मतलब क्विनोल फॉर्म कर देता है ऑक्सीजन के साथ. बट ऑक्सीजन एच न्यू है क्या एग्जैक्टली? वो एच न्यू वाला पार्ट मेरे को नहीं पता. ऑक्सीजन क्रोमेट ओ टू या फिर सी आर ओ थ्री के साथ हो. हेलो सर. हाँ बोलो. ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल में एक रिएक्शन दे के रखा है और फिनॉल को और फिनॉल को एच न्यू के प्रेजेंस में किया तो उसको ऑर्थो सॉरी पैरा पोजिशन पे दो डबल बॉन्ड ओ आता है और फिर और दो डबल बॉन्ड. मेरा स्क्रीन दिख रहा है? हाँ सर, यही रिएक्शन है और यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल विद क्रोमिक एसिड प्रोड्यूसेस कंजुगेटेड डाइकेटोन व्हिच इज बेंजोक्विनोन. इन प्रेजेंस ऑफ एयर फिनॉल्स आर स्लोली ऑक्सीडाइज्ड टू डार्क कलर्ड मिक्सचर्स कंटेनिंग क्विनोन. तो होता है एयर के प्रेजेंस में भी. ठीक है, शॉर्ट है. ये कौन बोल रहा था, किसका था ये? श्रीधर बोल रहा था क्या? हाँ सर. ठीक है, शॉर्ट है. श्रीधर आगे बढ़े. हाँ सर. ठीक है यार, एक बार PCL5 वाला पता कर रहा यार. इसमें तो नहीं है और जरूरी नहीं है इसमें वो नहीं है तो नहीं होगा, शायद आगे किसी चैप्टर में आ जाए. लेकिन PCL5 वाली रिएक्शन अपने को पता होनी चाहिए. ठीक है, चलो एक बार पहले अपन फिनॉल आगे बढ़ते हैं, रिएक्शंस खत्म करते हैं, फिर एक 5 मिनट का ब्रेक लेंगे और फिर अपन ईथर पे पढ़ेंगे. नेक्स्ट इज मर्क्यूरेशन. मर्क्यूरेशन इज अगेन अटैक ऑफ बेंजीन रिंग. ठीक है, बेंजीन रिंग मर्क्यूरी के ऊपर अटैक करता है और एजीओएसी उस पे चिपक जाता है, ऑर्थो पैरा दोनों पोजीशन पे चिपक जाएगा. नाउ एजी जो है, एजी इज अ गुड लिविंग ग्रुप. ठीक है, अब कैसे केस में गुड लिविंग ग्रुप है, तो एच जी को पहले ओ ए सी को कन्वर्ट किया NaCl डाल के एच जी सी एल में. ठीक है, तो एच जी सी एल चले जाएगा अगर एक न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो जाएगा रिंग के ऊपर. नाउ आप न्यूक्लियोफिलिक अटैक किसी से भी करवा सकते हो, इवन आयोडीन से भी. तो आयोडीन आई माइनस अटैक कर रहा है एच जी सी एल को डिस्प्लेस कर रहा है, तो आपको एच जी एच जी सी एल एच जी आई सी एल एज अ प्रेसिपिटेट मिल जाएगा फिनॉल रिंग पे, आयोडिनेशन हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट इज कोलबेस सिंथेसिस. सिंथेसिस में हम लोग एक्चुअली कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहे हैं, तो फिनॉलिक कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है, जैसे कि इस केस में सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर रहे हो, तो फिनॉल अटैक करता है कार्बन डाइऑक्साइड पे, तो कार्बन डाइऑक्साइड पे अटैक करता है, देख रहे हो 125 डिग्री सेल्सियस 680 एम प्रेशर पे कार्बोक्सिलिक एसिड पे अटैक हुआ, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड पे अटैक हुआ एंड कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म हुआ. तो एक्टिवेटेड रिंग है OH की जगह, अगर वो CH3 भी होता, अगर वहां पे कुछ और भी एक ऐसा कंपाउंड होता जो खुद डायरेक्टली अटैक ना करके रिंग को एक्टिवेट करके रखता, तो कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होगा. ठीक है, ऑर्थो पैरा दोनों प्रोडक्ट फॉर्म होंगे क्योंकि दोनों पोजीशंस आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से रिच है. तो दैट इज कोलबेस सिंथेसिस. नेक्स्ट इज राइमर टिमन रिएक्शन. राइमर टिमन रिएक्शन जो है, इसमें आप एल्डिहाइड फॉर्म कर रहे हो. ठीक है, इसमें CHCl3 यूज हो रहा है. CHCl3 जो देख सकते हो आप यहाँ पे, CHCl3 में OH- अटैक करेगा, H+ रिमूव करेगा और साथ में Cl- भी एज ए लिविंग ग्रुप निकल जाएगा. तो एक ही कार्बन पे से जब आप एक क्या बोलते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पेयर छोड़ के जा रहे हो और एक जगह इलेक्ट्रॉन पेयर लेके जा रहे हो, इसका मतलब आपके पास फॉर्म हो रहा है कार्बिन. तो ये जो आपके पास फॉर्म हो रहा है दैट इज सिंगलेट कार्बिन. फिर उसके ऊपर अटैक होगा. अब आपको पता है सिंगलेट कार्बिन पे अगर आपका बेंजीन रिंग अटैक हो करेगा, तो अटैक करेगा उसके बाजू में ही कार्बन का लोन पेयर जो है उधर से H+ एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा. साइमल्टेनियस प्रोसेस है बिकॉज ऑब्वियसली आपका जो बेंजीन रिंग है उसकी एरोमेटिसिटी हमको लूज नहीं करवानी है, तो वो अटैक होगा बाजू से H+ एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो आपका CCl2 ग्रुप जो है, CHCl2 ग्रुप जो है वो फिनॉल के ऊपर अटैच हो जाएगा. एक बार आपके पास CHCl2 ग्रुप लगा हुआ है, उसके बाद सीधा सीधा आप उसके ऊपर वाटर का एडिशन कर रहे हो और इसमें, अच्छा दिस इज एन SN2 रिएक्शन, वाटर का अटैक करवा रहे हो, Cl छोड़ के जा रहा है
एंड दो बार सी एल छोड़ के जा रहा है, दो बार ओ एच लग रहा है, तो यू एंड अप विद अ एल्डिहाइड. ऑर्थो पोजिशन पे अगर एल्डिहाइड है फिनॉल के, तो दैट इज कॉल्ड सैलिसिल्डिहाइड. तो पिछले इसमें हमने सैलिसिलिक एसिड फॉर्म किया, इस केस में रिमरटिमाइन यूज करके हमने सैलिसिल्डिहाइड फॉर्म किया. ठीक है, फिर फिनॉल में ये एक रिएक्शन बस मैंने सेव करके रखी हुई है, इसका नेम मेरे को नहीं पता. ठीक है, CH3 twice SO4. तो ये जो रिएक्टेंट है ठीक है, ये रिएक्टेंट है और इस रिएक्टेंट के ऊपर आपका जो फिनॉल का जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन अटैक करेगा इस CH3 पे एंड ये पूरा का पूरा ग्रुप एज अ लिविंग ग्रुप चला जाएगा, क्योंकि SO4 माइनस इज अ गुड लिविंग ग्रुप. ठीक है, तो आपके जो फिनॉल के पोजीशन जो है, फिनॉल का पोजीशन से अटैक करके वहां पे CH3 फॉर्म कर रहा है. ये शायद किसी एक स्पेसिफिक क्वेश्चन में आया था इसलिए मैंने इसको सेव करके रखा था. ठीक है, इस केस में फिनॉल अटैक कर रहा है. दैट्स इट, ये बहुत ज्यादा स्पेसिफिक ही क्वेश्चन था. अगेन ये फिनॉल अटैक इसलिए कर रहा है क्योंकि आपके पास OH- है, OH- के प्रेजेंस में आपका जो फिनॉल है यहाँ से H+ हट जाएगा, तो इट्स अ फिनॉक्साइड आयन, तो फिनॉक्साइड आयन खुद जाके डायरेक्ट अटैक कर रहा है. ठीक है, ये एक था, इसको छोड़ के हमारे पास इधर एक रिएक्शन थी NCERT में जो मुझे बतानी थी. हाँ बोलो. फ्राइज रीअरेंजमेंट एक है. यस, फ्राइज रीअरेंजमेंट. हाई टेंपरेचर और लो टेंपरेचर पे दो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, तो उसमें ऑर्थो प्रोडक्ट और पैरा प्रोडक्ट वाली बात है फ्राइज रीअरेंजमेंट में. पेज नंबर बता सकते हो इसमें कहाँ पे है? फ्राइज इथर चला गया सीधा. हाँ, इथर में ही आएगा एक्चुअली फ्राइज रीअरेंजमेंट. ठीक है छोड़ो, मैं एक्चुअली इथर में भी नहीं आएगा वो अपन, है ना. तो फ्राइज रीअरेंजमेंट में बेसिकली होता क्या है, फ्राइज रीअरेंजमेंट अगर तुमको ऐसा इमेजिन करना है तो सोचो इट्स लाइक आपका फ्रीडल क्राफ्ट जो है ना, फ्रीडल क्राफ्ट टाइप का रिएक्शन है, लेकिन सब अंदर के अंदर ही हो जा रहा है. लेट्स से यू हैव दिस काइंड ऑफ एन एस्टर. ठीक है, अब इस एस्टर में अगर आप AlCl3 यूज करते हो, ठीक है, AlCl3 एंड हीट ऑल्सो, तो इसमें क्या करेगा कि आपका जो ऑर्थो पोजिशन है बेंजीन रिंग का, वो ऑर्थो पोजिशन अटैक कर देगा सी डबल बॉन्ड ओ पे. ठीक है, एंड सी डबल बॉन्ड ओ पे अटैक करके तुम्हारा जो ओ माइनस है, ओ माइनस वाला पार्ट एज अ लिविंग ग्रुप बन जाएगा, तो यू विल हैव अ फिनॉक्साइड आयन ओवर हियर और यहाँ पे तुम्हारे पास CO CH3 लग गया. ठीक है, अब यही चीज इसमें पैरा पोजिशन से भी हो सकती है क्योंकि वो इंट्रा मॉलिक्यूलर भी पॉसिबल है, तो पैरा पोजिशन से होगा तो आपके पास सेम प्रोडक्ट बनेगा, बट जो कीटोन होगा दैट विल बी एट पैरा पोजिशन. ठीक है, तो दिस इज ये टेक्निकली एसिटोफिनॉन है. ठीक है, और इसमें ऑर्थो पोजिशन पे, इसमें अगर फॉलोड बाय H प्लस कर दोगे तो आप तो आपका जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी अ फिनॉल. सर हाँ, पैरा से अटैक करने के लिए कुछ ज्यादा ही एंगल स्ट्रेन वगैरह नहीं है? नहीं, इंटरनल अटैक नहीं होगा, इंट्रा मॉलिक्यूलर अटैक होगा, मतलब एक फिनॉल दूसरे वाले के ऊपर अटैक करके निकाल लेगा. ओह, ठीक है.
अब इसमें कौन बता रहा था, श्रीधर बता रहा था क्या, ये कौन सा मेजर कब होगा और कौन सा माइनर कब होगा? सर हाँ हाँ सर, 160 डिग्री पे इसमें बुक में लिखा है, जब हीट करेंगे ना 160 डिग्री पे वो पैरा पोजीशन पे एक आएगा, नहीं सॉरी ऑर्डर पोजीशन पे एक आएगा, और 60 डिग्री पे पैरा पोजीशन पे आएगा। 60 डिग्री पे पैरा पे आएगा और 160 पे ऑर्थो पोजीशन पे, तो 160 डिग्री पे ऑर्थो। इसका कुछ लिखवा है किसी ने, सर ने लिखवा है कि ये क्या है ये फिनोमेना, क्यों ये हाई टेम्परेचर पे पैरा बन रहा है? सर ने लिखवा है। हाँ क्या कुछ ऐसा लिखवा है कि हाई टेम्परेचर पे क्यों पैरा बन रहा है, लो टेम्परेचर पे क्यों पैरा बन रहा है? नहीं सर, कुछ लिखा है नहीं है। अच्छा पर एक नोट लिखा है फॉर्मेशन ऑफ नहीं वो असाइलिक कार्बन के लिए, सॉरी। ठीक है ठीक है। अब तो ये इस चीज को एज अ प्रिपरेशन ऑफ, मतलब दिस इज अ फिनॉल का एक डेरिवेटिव है, तो इसको आप प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल में कहीं ना कहीं इसको कंसीडर करके ले सकते हो। सर एक सर ने नोट लिखा है कि एट लो टेंपरेचर पैरा आइसोमर्स विल बी फॉर्म एंड एट हाई टेंपरेचर ऑर्थो आइसोमर्स विल बी फॉर्म। उन्होंने शायद से ये बताया था कि उसमें रिपल्शन ज्यादा होता है शायद से। अच्छा पैरा और ऑर्थो पोजीशन में कुछ तो हो। चलो ठीक है, इसको मैं एक बार समझता हूँ फिर मैं बताऊंगा यार। मतलब अगेन एज ऑफ नाउ आप लोग इस चीज को बस याद रख लो कि बस एक मिनट कॉपी कर। कॉपी कर लो इसको। मैकेनिज्म वाइज तो बस वही है कि अटैक हो रहा है, ठीक है, वो इंटर मॉलिकुलर हो रहा है, इंट्रा मॉलिकुलर हो रहा है, शायद वो टेम्परेचर के चलते चेंज होना चाहिए, ठीक है। हायर टेम्परेचर जो होता है, हायर टेम्परेचर पे बात ये है कि सारे मॉलिक्यूल्स का जो, अगेन दिस इज मेरा अंडरस्टैंडिंग है, मैं श्योर नहीं हूँ, 100% नहीं बोल सकता, लेकिन एट हायर टेम्परेचर मॉलिक्यूल्स का वेलोसिटी ज्यादा होने के चलते इंटर मॉलिकुलर अटैक होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, ठीक है। एंड एट अ लोअर टेम्परेचर मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी कम रहेगा, इसलिए इंट्रा मॉलिकुलर अटैक की भी प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगी, तो शायद उसके चलते ये लो टेम्परेचर पे पैरा एज अ स्टेबल बन रहा है, हाई टेम्परेचर पे ऑर्थो बन रहा है, बट एक बार इसको कंफर्म करना होगा, ठीक है, उसके बाद ही अपन इसको वो कर सकते हैं। सर पैरा इंटर के वजह से हो रहा है ना, इंटर मॉलिकुलर, इंटर मॉलिकुलर करेक्ट, तो उसके लिए हाई टेम्परेचर लगना चाहिए था ना? नहीं नहीं नहीं, हाई टेम्परेचर पे तो यार प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी ना, तो आपने वो प्रोबेबिलिटी हाई बोला मैं वो। अच्छा लो टेम्परेचर पे क्या है, इंटर मॉलिकुलर की प्रोबेबिलिटी इजी है, मतलब दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करने के लिए स्टे भी तो करने जरूरी है ना, क्योंकि अटैक होगा और फिर, बट यार ये मैं अगेन कंफर्म नहीं बता सकता, इसलिए मैं श्योर शॉर्ट तरीके से नहीं बोलूंगा, बट एट लो टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर सिंस सारे मॉलिक्यूल ज्यादा वेलोसिटी से चल रहे हैं, ठीक है, तो इंट्रा मॉलिक्यूलर की होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, ठीक है, और ओके और एट लो टेम्परेचर इंटर मॉलिक्यूलर के होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, बट यार ये अगेन मैं प्रोडक्ट मेरे पास पता है मेरे को, इसलिए मैं ये बोल पा रहा हूँ, ठीक है, शायद मैं जेनरिक तरीके से ना बोल पाऊँ, इसी चीज को कंफर्म करना जरूरी हमें है ना, बट ये रिएक्शन सब लोग लिख लो, ठीक है, तो फ्राइज रीअरेंजमेंट हो गया। हेलो सर, ये फ्राइज, हाँ अल्काइलेशन का भी एक कुछ तो है ना, क्या कह रहे हो? अल्काइलेशन भी एक आते हैं उसके रिएक्शन में। अल्काइलेशन तो वो फिर अपना फ्रीडल क्राफ्ट है। अच्छा सर, है ना, अल्काइलेशन एंड एसिटेशन ऑफ रिडल क्राफ्ट। सर होबेनहॉश भी एक है ना, होपेनहावर, यस होपेनहॉश जो है, मेरे को सर्च करना पड़ेगा, मेरे पास कहीं पे है तो नहीं, वो ये लिख लिया क्या? यस सर, तो उसका फोटो भेज दो क्या? हाँ भेज देना, होपेनहॉश।
इट्स अ टाइप ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन. अच्छा हेलो. हाँ जी कहाँ से? मैम मुझे नहीं चाहिए, थैंक यू. यस होवेनहॉश. दिस रिएक्शन इज गिवन बाय हाईली एक्टिवेटेड एरोमेटिक कंपाउंड सच एज पॉलीहाइड्रिक फिनॉल. अच्छा पॉलीहाइड्रिक फिनॉल्स, ठीक है. मतलब मल्टीपल हाइड्रोक्सी ग्रुप्स लगे हुए तो सिर्फ उस केसेस में रिएक्शन होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है. ठीक है, मैं इधर मैंने ये रिएक्शन सर्च कर लिया. यहाँ पे देखो, सो ये जो है, सॉरी यार काफी ज्यादा ब्राइट हो गया सडनली. इस केस में CH3C ट्रिपल बॉन्ड N जो है, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N पे अटैक हो रहा है. तो ये जो CH3C ट्रिपल बॉन्ड N का जो कार्बन है, दैट कार्बन इज गेटिंग अटैक. अब आप देखो पॉलीहाइड्रोक्सी है तो ये सारे के सारे, आप सोचो या ये तो इसका ऑर्थो है या इसका ऑर्थो या इसका पैरा है, तो सारी पोजीशन इक्विवेलेंट पोजीशन है, तो कहीं से भी आप अटैक करवा दो. और अटैक किसके ऊपर होगा? तो सी ट्रिपल बॉन्ड एन के ऊपर होगा. तो दिस इज लाइक एनी जनरल आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन, इसके साइनाइड ग्रुप जो है उसके ऊपर ये अटैक हो रहा है. एंड यू एंड अप विद दिस, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इमाइन. ठीक है, तो ये इमाइन फॉर्म होगा सी डबल बॉन्ड NH2, सी डबल बॉन्ड NH, और फिर आप उस इमाइन का हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं. तो हाइड्रोलिसिस करने पे ये बॉन्ड टूट जाएगा एंड यू एंड अप विद अ कीटोन और एल्डिहाइड डिपेंड. अभी देखो ये RCN के लिए दिया है तो शायद ये HCN के लिए नहीं होगा, तो यू विल डेफिनेटली बी गेटिंग अ कीटोन एज अ प्रोडक्ट. ठीक है, तो आप देख सक रहे हो कि ये 74% प्रोडक्ट आ रहा है. ऑब्वियसली एक ही प्रोडक्ट आएगा क्योंकि इसके लिए बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड रिंग होना जरूरी है. ठीक है, और एनिमाइन इज आइसोलेटेड एज एन इंटरमीडिएट रिएक्शन प्रोडक्ट. दिस इज योर इमाइन, आप ये आइसोलेट कर सकते हो. द अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल इज पॉसिबली अ स्पीशी ऑफ द टाइप आर सी डबल बॉन्ड NHCl. ठीक है, या आर सी ट्रिपल बॉन्ड N इन प्रेजेंस ऑफ HCl ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा. And the arene must be electron rich. So phenol or aniline type का compound होना चाहिए. And the related reaction में Gatterman reaction आएगा, जहाँ पे आप इसके ऊपर nitrile group पे attack करवाते हो. In which hydrocyanic acid not a nitrile is used. इस केस में RC triple bond N की जगह पे HCN use होता है in Gatterman reaction. और फिर Gatterman reaction में आप उसका hydrolysis कर देते हो तो आपको carboxylic group मिलता है. तो उस टाइप की रिएक्शन है, बहुत ही स्पेसिफिक रिएक्शन है, होवेनहॉश रिएक्शन. ठीक है, इसका अपन एक एग्जांपल भी आपको भेजा हूं. भेजियो. हां सर, यहाँ पे एग्जांपल में ठीक है, यहाँ पे RCN के जगह पे CH3CN दिया हुआ है. तो इस केस में CH3CN के ऊपर अटैक हुआ. HCl anhydrous ZnCl2. ZnCl2 is behaving as a Lewis acid. ठीक है, तो C triple bond N के C पे अटैक हुआ. ठीक है, C डबल बॉन्ड NH फॉर्म हुआ होगा इसमें सबसे पहला स्टेप पे.
ये फॉर्म हुआ और उसके बाद आपने इसका हाइड्रोलिसिस कर लिया फॉलोड बाय हीट, तो क्या होगा, ये इमाइन जो ग्रुप है सी डबल बॉन्ड एन एच, ये ब्रेक हो जाएगा एंड यू गेट अ कीटोन। ठीक है, इस रिएक्शन को लिख लो। यार रिफ्लक्स का मतलब क्या होता है नदीम, कि आप उसको बार 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 उसी के थ्रू ले जा रहे हो, ठीक है, तो रिफ्लक्स करवा रहे हो मतलब उसके थ्रू ही आप बार बार पास करवा रहे हो, ताकि आपको वो रिएक्शन आप ज्यादा उसको एसिड ज्यादा आगे के इसमें पहुंचा सको, ठीक है, क्योंकि स्लो रिएक्शन होती है तो आपको वो रिफ्लक्स करना पड़ता है। डन, एक काम करो इसको लिख लो, ठीक है, एक 5 मिनट का ब्रेक लेके अपन ईथर्स पे बढ़ते हैं, ठीक है। हेलो सर, हाँ बोलो श्रीधर। हाँ सर, मैं और एक भेजा हूँ आपको। क्या भेजा है, एग्जांपल? नहीं सर, एक दूसरा वो हम लोग ने पढ़ा है। लेडेरो मेनासे रिएक्शन, इंटरेस्टिंग, फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड के ऊपर फिनॉल ने अटैक किया तो आपको बेंजाइलिक अल्कोहल टाइप फॉर्म हो रहा है। ऑसम, एक काम करते हैं बस 5 मिनट, तो उसके बाद अपन ये रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है श्रीधर? पर शायद से लगते सर ये कुछ स्पेसिफिक केसेस के लिए दिया रहेगा। यहाँ पे सर ने बेकेलाइट समझाने के लिए रिएक्शन बताया। हाँ सर, ठीक है, कि इवेंचुअली वो बेकेलाइट को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो दिस इज स्पेसिफिक रिएक्शन है ना, करते अपन बात, ठीक है? यस सर। अभी क्या छोड़ो, अभी रिकॉर्ड करके क्या फायदा, अभी रिकॉर्ड करके हम बस ये बता रहे हैं कि हमने इथर का थोड़ा सा रिकॉर्डिंग बोल गए, हम आगे बढ़ते हैं। प्रिपरेशन में हमने अल्कोहल से प्रिपरेशन देखा, डायजोमीथेन विलियमसन सिंथेसिस से देखा, फिर हमने एल्कीन से देखा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज करके देखा, फिर हमने ये बात किया कि अगर इथर खड़ा रहता है बहुत टाइम तक ऐसे ही पड़ा रहता है तो उसमें परोक्साइड फॉर्म होता है, तो आप उसको कैसे डिटेक्ट कर सकते हो। इसके बाद हमने फिनाइल ईथर की बात की कि फिनाइल ईथर में जब भी आप हाइड्रोलिसिस कराओगे एसिड डालोगे तो आपको फिनॉल ही मिलेगा, और फिनाइल ईथर में हमने जो अपना एडिशन रिएक्शन है इसका, जो जहाँ पे रिंग के ऊपर कुछ ना कुछ एडिशन हो रहा है वो रिएक्शन भी देखा। फिर नाउ वी आर इन साइक्लिक ईथर, इसमें इपॉक्सीफिकेशन के लिए ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, Ag2 एंड CF3COH CO3H, एंड दैट्स इट। ठीक है, इथर में इसको छोड़ के एक मिनट अपन देख लेते हैं क्या हमने इसमें से कुछ मिस किया है क्या, मतलब इथर में जो एडिशन रिएक्शन आप इसमें अभी फ्रिडल क्राफ्ट जो भी लगाना, अब इथर क्या है वो CH3 इज योर मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो आप अकॉर्डिंगली जो भी रिएक्शन करा सकते। एक रिएक्शन है कार्बन मोनोक्साइड के साथ वाली एंड ऑल्सो PCl5 वाली, ये लिख लेते हैं अपन, ये लिखा हुआ नहीं है इसमें तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, इसकी यार खत्म हो गया इसमें। ठीक, एक दो रिएक्शंस और मैं लिखा देता हूँ जल्दी से, कैसे क्लियर करें। क्लियर,
एक रिएक्शन जो है उसमें आप सोचो अगर मेरे पास एक ईथर है और उसका मैं रिएक्शन करवा रहा हूँ PCl5 एंड हीट, ठीक है, इस केस में मुझे प्रोडक्ट हमेशा क्या मिलेगा, आई विल गेट अल्काइल हैलाइड, ठीक है, रीजन वही है, फास्फोरस का ऑक्सीजन की एफिनिटी ज्यादा है, ठीक है। इसके बाद ये एक रिएक्शन हो गई, इसमें PCl5 हो गया, एक और रिएक्शन है अब इसमें BF3 150 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, एंड हाई प्रेशर, वेरी हाई प्रेशर, ठीक है। BF3 के साथ अगर मैं BF3 के प्रेजेंस में अगर मैं कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ एक ईथर की रिएक्शन करवाता हूँ तो आई विल गेट एन एस्टर, आप समझ रहे हो, मतलब बीच में यहाँ पे सी डबल बॉन्ड हो, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड जो है कार्बन मोनोऑक्साइड बीच में घुस जाएगा। अब इसका मैकेनिज्म मेरे पास नहीं है कहीं भी, लेकिन जहाँ तक मेरा अंदाज़ा, एक कोशिश करते इसको सोचने की कि आपके पास ROR है, ठीक है, इस टाइप का कार्बन मोनोऑक्साइड है, अटैक करेगा कार्बन मोनोऑक्साइड पे, आई विल हैव, ठीक है, अभी डबल बॉन्ड O है और यहाँ पे एक वेकेंट ऑर्बिटल भी होगा या पॉजिटिव चार्ज होगा, नहीं पॉजिटिव चार्ज तो इधर है, यहाँ वेकेंट ऑर्बिटल होगा और ये जो R- ग्रुप है और माइनस ग्रुप शायद यहाँ से यहाँ अल्काइल से माइग्रेट हो, वही मैं सोच रहा हूँ शिफ्ट कहाँ होना चाहिए, R माइनस लोन पेयर लेके तो नहीं जा सकता यार, वो अक्षय ने लोन पेयर दिया था, नहीं नहीं लोन पेयर लेके नहीं जा सकता, ऑक्सीजन नहीं होगा इसका माइनस, तो इसने लोन पे रिडोनेट किया था वापस ले लिया, यहां तक तो होगा, इसके बाद क्योंकि कौन सा आर शिफ्ट होगा वो माइग्रेटिंग टेंडेंसी वाली चीज होनी चाहिए मोस्ट प्रोबेबली, यहाँ पे ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज होगा, लेकिन आप ही ने बोला आर माइनस शिफ्ट नहीं होगा, ऑक्सीजन से कोई लोन पेयर कैसे लेके जा सकता है, नहीं ऑक्सीजन से लोन पेयर लेके नहीं जा सकता, बट यही पे शायद BF3 का कुछ रोल होगा ना, एक्चुअली BF3 यहाँ पे इसको कुछ पकड़ के रखेगा और समथिंग, एक बार देख लेंगे इसका रिएक्शन क्या है, क्योंकि आप इमेजिन करो सी डबल बॉन्ड ओ एडिशन टाइप का रिएक्शन है, ईथर सिंथेसिस ऑफ एसिटेट, यस शाखल रहा भाई रिसर्च पेपर होगा, मैकेनिज्म क्यों नहीं दिखाते, ये देख रहे हो कितना अलग लेवल पे बातें करते हैं, ये समझने की तो हमारी कहीं से भी क्षमता भी नहीं है, हम इस रिएक्शन पे साथ साथ फिजिक्स कहीं से, ठीक है, यही है यार रिसर्च की अलग
मेरी कोशिश ये है कि मैं ज्यादा से ज्यादा रिसर्च पेपर तुम लोगों को दिखा पाऊँ, ताकि यू जस्ट स्टार्ट गेटिंग द फील ऑफ द, ऐसा क्या होता है लैंग्वेज जो होता है ना इनका, बट बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है चीजें। अपन बाईजू टॉपर लेवल पे ही आ जाते हैं, लेकिन ये तो और हट। रिएक्शंस ऑफ ईथर में है HBr, ये तो ठीक है, ये तोड़ने वाला रिएक्शन था विद ऑक्सीजन। अच्छा, ऑक्सीजन के साथ तो सीधा सीधा कंबशन है। क्लोरीनेशन एक रिएक्शन है जिसकी हमने बात नहीं किया, आप देख रहे हो क्लोरीनेशन एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। दिस इज द ईथर का ऑक्सीजन, ठीक है, तो इसका जो अल्फा पोजीशन होगा, अल्फा पोजीशन पे क्लोरीनेशन होगा, ठीक है। हैलोजिनेशन, इस चीज को ध्यान रखना, अल्फा पोजीशन सबसे पहले हैलोजिनेट होगा, उसके बाद ऐसे होने को तो देखो देख रहे हो सारे सारे इसमें हो जाएगा, पर क्लोरो डाइथाइल ईथर सारे हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे, लेकिन पहले अटैक होगा अल्फा पोजीशन पे विद ड्यू टू एथेरियल ऑक्सीजन फॉर्मेशन ऑफ पेरोक्साइड्स। ये पेरोक्साइड डिटरमाइन करने का तरीका है, एक्शन ऑफ HI PCl5 एसिटिल क्लोराइड के साथ दिया है नीचे, लेकिन मैकेनिज्म नहीं दिया। अरे हाँ यही है, तो फिर यही हो रहा है सबके साथ, देख लो। चलो ये तीन रिएक्शन हमारे लिए इंटरेस्टिंग है। एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन जब हो रहा है तो इट्स एक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल, तो एक अल्काइल हैलाइड अलग हो जाएगा और एक आपका एसीटेट या एसिटिक एसीटेट कंपाउंड मिलेगा, और सेम रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ भी है। न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर रहा है आपका ईथर एंड आपको एक एसीटेट टाइप का कंपाउंड मिल रहा है और साथ में एक अल्काइल हैलाइड मिल साथ में एक आपको दो कंपाउंड मिल रहा है टेक्निकली इस केस में। चलो दूसरा है डिहाइड्रेशन ऑफ ईथर, ईथर का भी डिहाइड्रेशन करवाया गया है Al2O3 350 डिग्री सेल्सियस एंड यू गेट अल्किन। अब ये देखो ये इतना ज़्यादा एंटीट्यू रिएक्शन नहीं थी, बट इमेजिन करो कि ऑक्सीजन दोनों साइड के कार्बन से एक एक हाइड्रोजन लेके दो दो हाइड्रोजन लेके निकल रहा है। इंटरेस्टिंग, Al2O3 भी निकाल रहा होगा कुछ कुछ हाइड्रोजन, बट यू एंड अप विथ एल्किन्स, ठीक है। तो ये रिएक्शन याद कर लो, क्योंकि इसमें ये रिएक्शन और नीचे वाली कार्बन मोनोऑक्साइड वाली रिएक्शन 500 ATM प्रेशर पे हो रही है रिएक्शन। ईथर रिएक्ट्स विद कार्बन मोनोऑक्साइड एंड यू गेट अ एसीटेट, ईथर से एसीटेट फॉर्मेशन का सिंगल स्टेप रिएक्शन है यूजिंग BF3। इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर topper.com। यार YouTube पे अपलोड होने वाला है, इसलिए हर साइट को क्रेडिट दे रहे हो क्या? नहीं, topper.com पैसे देता तो क्रेडिट देता, ऐसे थोड़ी। ये तो चल उसने सच में हेल्प कर दी है, तो फिर अपन क्या करें। बाकी अगर topper.com आके इसको प्रमोट करेगा तो हमको कोई दिक्कत थोड़ी है। चलो आगे बढ़ते हैं, एंड तो वही है फिर, इसी के साथ ईथर वाला पार्ट हमारा फिनिश होता है, ठीक है। प्रियन के डाउट्स रह गए तो वो फिर हम लोग कल डिस्कस करेंगे कल की क्लास में, ठीक है। प्रियन, प्रियन है कि चला गया है ना सर? हाँ सर, शायद से कर आतिफ सर या अमित सर, गौरव सर की क्लास रहे। यार मैंने आतिफ सर को 11 से 2 का बोला है और उन्होंने बोला आप खुद ही अनाउंस कर दीजिए, ठीक है, तो 11 से 2 तो नहीं रहेगी डेफिनेटली। ओके सर, ठीक है। हाँ सर, शॉर्ट है, फिर बाकी आप पता कर लेना क्या टाइम पे रहेगी। कल अपन एक काम करते, थोड़े से इसके भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे
और थोड़े से प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, आप लोगों के जो भी डाउट्स है निकाल के रखो, ठीक है। और आप में से कुछ लोग ये रिस्पॉन्स ले लो, शुभम, प्रियान और अभी जिनका नाम आ रहा है सीधा सीधा याद, बट आप लोग ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो कि पहले के जो क्वेश्चंस मैंने कहीं पे छोड़ के रखा हुआ है या ये बाद में डिस्कस करेंगे या जहाँ पे रिसर्च करना है उनका एक अपन लिस्ट बना लेते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उनमें से कोई भी क्वेश्चन छूट जाए और कल उठ के हमें हॉन्ट करे, ठीक है। बाकी जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते देखते हैं, है ना। चलो सॉर्ट है, थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं, ठीक है। 11 से 2, बाय, थैंक यू।